गुफ्तगू का आगाज कर आप सभी यहाँ पर जो जमा हैं पुरजोश अंदाज में जो है एक्शन के बाद जो रिएक्शन है वो भी जरूर दीजिएगा। ये मतलब नहीं है कि मेरी अपनी गुफ्तगू पे, जितने भी यहाँ पे मौजूद जो है शख्सियात यहाँ पर नशीन फरमाएं जो इतिहास ख्याल कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश की जाए। करता हूँ कि आज अमेंडमेंट बिल के मौजू पर गौर और फिक्र का मौका फराहम हुआ है, यानी कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं कि हर मसले का हल हमें YouTube या Google से चाहिए। और मैं कभी कहता हूँ ऐसा कि अल्लाह का शुक्र एहसान है कि माजी में 1947 या उससे पहले अगर ये WhatsApp वगैरह होता तो शायद हम इस अंदाज में जो है इनकलाबी जो हमारे अंदाज होते ऐसे होते कि इस मैसेज को इतना फॉरवर्ड कीजिए कि अंग्रेज भाग जाए, शायद ऐसा होता था अगर उस दौर में शायद ये जो क्या कहना चाहिए। तो लिहाजा हर मसले का हल जो है सिर्फ मोबाइल से या गूगल यूट्यूब से नहीं होता है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आज हम यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि वक्त तरमीमी बिल 2024 ये कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर, और जहाँ पर हम इस वक्त तशरीफ फरमा है, देखिए तस्वीर इनकी वहाँ पर जो है मौजूद है। जी हाँ, बहुत ही अजीम शख्सियत आले जनाब जी, हम मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह। तो आप इल्मी शख्सियत भी थे, सिर्फ इल्मी शख्सियत नहीं थी बल्कि आप इनकलाबी शख्सियत भी थे और तामीरी फिक्र भी रखते थे। तो लिहाजा हम आप हम यहाँ पर जो जमा हुए हैं, हम एक जैसा साहब ने एक अच्छी बात कही कि आप जो है कम्युनिटी से आप ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात कही कि इत्तेहाद अगर मुत्तहिद हो जाएंगे तो कुछ हो सकता है। तो लिहाजा इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होना चाहिए, हम जितने लोग मिले हैं ऐसा नहीं कि मीटिंग हो गई और मीटिंग के बाद बाहर चले गए फिर पता नहीं आप कौन है मैं कौन, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बिल हमारे माशरती और मजहबी हकूक के तहफ़ के हवाले से इंतहाई अहमियत रखता है। वक्फ की ज़मीनें और जायदादें मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस अमानत है जो हमारे बुजुर्गों ने दीन की खिदमत और फलाह आमा के लिए वक्फ की थी। उन जायदादों का तहफ्फुज और उनका सही इस्तेमाल हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी जो है, मैं यहाँ पे एक बात जो है आपकी जो है तवज्जो तलब है कि जैसा हम देखते हैं CCTV आजकल हर जगह लगा हुआ, एक ज़माना वो भी था, मैं उतना बड़ा तो नहीं लेकिन मैंने देखा है कि जो बड़े होते थे यानी कि बालों की सफेदी तो एक ज़ईफ़ी है लेकिन बुजुर्गी जिनमें झलकती थी, तो वो लोग ये करते थे कि माशरे की हकीकत में फिक्र रखते थे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करते थे और तालीम से भी जोड़ते थे और तामीरी फिक्र रखते थे और किसी तरह से उन्हें बाशोर बनाने की कोशिश करते थे। तो माशरे में इसकी भी ज़रूरत है। और एक बात यह है कि इन जायदादों का तहफ़ और उनका सही इस्तेमाल हमारी जिम्मेदारी है। इस बिल के जरिए हमें यह देखना होगा कि मुसलमानों के हकूक़ और मफादात का पूरा पूरा तहफ़। ज़रूरी ये भी है कि वक्फ की जायदादों की हिफाजत हो और उन्हें गैर कानूनी कब्जे या गैर मुनसिफाना फैसलों से महफूज रखा जाए। इस सिलसिले में हमें हुकूमत से मौसर खवानीन और पॉलिसियों की तवक्को है जो मुसलमानों के मजहबी व कानूनी हकूक का दिफा करें। हमें मिलकर एक मजबूत पैगाम देना होगा, जैसा कि मैंने कहा अपनी गुफ्तगू की शुरुआत में, मिलकर से मुराद ये है कि यहाँ आए बैठे मीटिंग अटेंड की चले गए नहीं, बल्कि आप लोग अपना जो है यहाँ पर मौलाना रियाज साहब के पास अपना नंबर शेयर करें और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, फिर हम मिलेंगे बात करेंगे। यार एक मिनट रुको जरा, एक काम है, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, इसको सब्सक्राइब कर दो YouTube चैनल को और Instagram पे फॉलो कर दो, ठीक है? ओके बाय।